आज यादव और भूमिहार के बीच में जो पृथकता तैयार की गई बिहार में, इसका बिसात लालू यादव ने 90 के दौर में बिछाया था। इतना दो नंबर का है, वही सब इसके साथ जोड़ी बनाए हुए हैं। बिहार आज शांति से जीवन काट रहा है। एक समय था कि 90 के दशक में यहाँ से जाना मुश्किल था, यही समय था, यही लालू जी थे। कि उसको समाज भूरा बाल साफ करो तो कभी कहता कि परवल के साफ कर दो, तो आप पत्रकार हैं, बताइए कि भूरा बाल और परवल में क्या होता है? तेजस्वी क्या करेंगे? ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। वो बनेगा 29 तक ले मोदी रहेगा, उसके बाद योगी को राजगद्दी सौंप करके वो रिटायर कर जाएगा। मेरा नाम मनीष कुमार है, और जहाँ तक बात रही 2024 के चुनाव की, जो 2014 में हुआ है उसी की रिपीटिशन 2019 में हुई थी, उसी की पुनरावृत्ति फिर नए और प्रचंड बहुमत के साथ। यानी कि मोदी जी ने जो मंत्र दिया है हम देशवासियों को कि इस बार भाजपा 370 पार और NDA 400 पार, तो उसी आंकड़े के साथ फिर से मोदी जी इस बार तीसरी बार लगातार सत्ता में आने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिन सब चीज़ों से भारतवासी कल के तारीख में जूझ रहे थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, उन तीनों चीज़ों को इस देश से दूर भगाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और इन सब चीज़ों से खुश होकर हर भारतवासी, मेरे ही तरह हर भारतवासी जात पात से दूर उठकर, मैंने ऊपर उठकर फिर से मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए तैयार है। लेकिन जो इस बार का सीट शेयरिंग है उसमें लालू प्रसाद यादव जी की पैनी नज़र है। पैनी नज़र का मतलब ये कि वो अपने हिसाब से सीट शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे बेगूसराय से कट गया कन्हैया कुमार का टिकट, वो नहीं आएंगे, तो बड़ा बारीकी से वो किया जा रहा है। क्या लग रहा है, कितना असरदार होगा? किसी का भी टिकट बिहार में कट जाए, लेकिन एक बात तो तय है ना, अभी जस्ट मैंने बोला परिवारवाद, लालू यादव सब चीज से पृथक हो सकते हैं लेकिन परिवारवाद से अलग नहीं हो सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि अपनी तीसरी बेटी को उन्होंने लॉन्च किया है रोहिणी आचार्य को छपरा से, सारण, और यहाँ कुछ भी हो जाए सारण से, यहाँ कुछ भी हो जाए आप लिख के रख लो पाटलिपुत्र से उनकी बेटी मीसा भारती ही चुनाव में आएगी, वो तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो लालू यादव सब चीज से निवृत्त हो सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण बिहार में दिया हुआ उन्हीं का है, माई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण उन्हीं का दिया गया है। आज यादव और भूमिहार के बीच में जो पृथकता तैयार की गई बिहार में, इसका बिसात लालू यादव ने 90 के दौर में बिछाया था। आप कभी देख लो, कभी इतिहास किसी से गवाह, कभी मुस्लिम से कभी भूमिहार की लड़ाई हुई बिहार में? आप एक भी दंगा बता दो बिहार में कभी मुस्लिम और भूमिहार के बीच में हुआ हो। लेकिन लालू यादव ने सोचा कि हमारी राजनीति ऐसे नहीं चलेगी जब तक हम मुस्लिम को अलग नहीं करेंगे, जब तक धर्म का राजनीति नहीं करेंगे, यानी कि तुष्टिकरण, यादवों को अलग किया गया। कितने यादव खुश हैं? लालू यादव ने कहा कि हमने यादवों को जगह पे पहुंचा दिया, तो जगह पे तो केवल उनका परिवार पहुंचा। आज तेजस्वी जिस स्तर पे हैं बिहार में, उस स्तर पर कितने यादव के बच्चे हैं बिहार में, आप उनसे सवाल करो एक बार जाके। आज तेज प्रताप के पास क्या क्वालिफिकेशन है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तेजस्वी के पास क्या क्वालिफिकेशन है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं। लेकिन देखो, एक उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, कभी कोई स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा, कभी पर्यावरण मंत्री बन जाएगा, विदाउट क्वालिफिकेशन उसके पास सब पद चाहिए और सब पोस्ट चाहिए। तो लालू यादव उसी के परिचायक हैं बिहार में, लालू यादव उससे अलग नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे भूमिहार है, जातीय जनगणना हुई तो 3% का आंकड़ा आया कि इतने ही प्रतिशत हैं, उसके बाद कई जातियां ऐसी भी थीं जो ये बोलने लगी कि भैया सरकार तो हम बना सकते हैं क्योंकि हम बाहुल्यता में हैं, तो वो फैक्टर रहा है क्या भूमिहार ब्राह्मण का कि जिससे सब लोग उसे आकर्षित करने का प्रयास करते रहे हैं बिहार में कि नहीं ये वर्ग हमारे साथ होना चाहिए? देखिए, हम लोग जाति पाति को मानने वाला भूमिहार बिहार में कभी रहा नहीं है, हम लोग टैलेंट के उपासक हैं। भूमिहार जाति जो है बिहार में सदियों से टैलेंट की उपासक है। हमारे पास टैलेंट है, उसको ना कोई चुरा सकता है ना कोई छीन सकता है। आप आज कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में टॉप मोस्ट जो जगह हैं उन जगहों पे हमारी उपस्थिति आप पाओगे जहाँ पे हम लोग हैं। बात रही आपकी, जिसने सवाल किया आपने, जातिगत जनगणना, उसको हम लोग नहीं मानते। हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश में बस चार ही जाति को मानते हैं, किसान, नौजवान, महिलाएँ और एक और क्या था, वो गरीब। तो यही चार जाति इस देश में है। जहाँ तक सरकार की कुछ नीतियाँ हैं जो जन जन तक नहीं पहुँची है, तो मोदी जी ने इस बार ऐलान कर दिया है कि तीसरे कार्यकाल में और बड़े बड़े कार्य होंगे, तो उसकी भी गुद घोषणा आपको देखने को मिलेगी। देश में बहुत सारे काम हुए हैं, आज भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। राम मंदिर, 500 साल से भगवान प्रभु श्री राम टेंट में थे, उनको अपने भव्य और भवन में बिठाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।
आयुष्मान कार्ड की बात ले लो, किसी को मतलब अब स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी है। जिन जिन को राशन कार्ड है, बिहार में पहले हमारी बेमेल सरकार थी तो इस चीज़ का भी समस्या था, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार बिहार में आई है, पिछले 20 दिनों में 2 मार्च को ये हम लोगों का ड्राइव स्टार्ट हुआ था, उस आज 20 दिन में केवल 2.25 करोड़ आयुष्मान कार्ड बिहार में बन गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम मुद्रा योजना, ऐसे अनेकों योजनाएं भारत सरकार की हैं जिससे मैंने काफ़ी लोग लाभ ले रहे हैं, हमारे ग्रामीण भी लाभ ले रहे हैं। आज भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, किसी पंथ, किसी संप्रदाय का हो, हर कोई भारत सरकार की योजनाओं का लाभार्थी है। हर कोई भारत सरकार की योजनाओं का लाभार्थी है। सबसे ज़्यादा तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के इस चीज़ के लिए बड़ी उपकारी हैं कि कोरोना काल जैसा मतलब भयावह स्थिति में जब विश्व जूझ रहा था, उस परिस्थिति में हम भारतीयों का जान बचाने का मतलब इतना बड़ा नेक कार्य किया है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद हैं उनके लिए, देशवासियों के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन लालू यादव जी कहते हैं परिवार नहीं है उनका, वो समझते नहीं है देश का हाल क्या है, तो फिर कैसे चलेगा? इसीलिए तो आज आप देख रहे होंगे कि पूरा भारत मोदी का परिवार है। भारत तो छोड़ दो, भारत के बाहर जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। लालू यादव और नरेंद्र मोदी में आकाश और जमीन का अंतर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरा देश को परिवार मानते हैं और लालू यादव जी सो कॉल बिहार के भ्रष्टाचारी अपना परिवार को ही देश मानते हैं, तो यही अंतर है, आप समझ लो। जो भूमिहार वर्ग है वो क्या सोचता है, क्या मतलब उनका समीकरण क्या है सोचने का? भूमिहार वर्ग नजरअंदाज तो किया जाता रहा है। भूमिहार वर्ग शुरू से ही मोदी जी के प्रति मतलब एकदम सॉफ्ट है और मोदी जी के लिए ही वो मतदान करने जा रहा है इस बार। और देश में जो नारा है 370 पार का, भारतीय जनता पार्टी होकर रहेगा और एनडीए 400 पार होकर रहेगा। आप क्या सोचते हैं 2024 को लेकर, क्योंकि इस समय तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी है और उसके बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, जितना 2 नंबर का है वही सब इसके साथ जोड़ी बनाए हुए हैं, इसके साथ महागठबंधन के साथ, इंडिया के साथ। जितना लोग है 2 नंबर का लालू जी कमा के रख दिए, उधर अरविंद केजरीवाल कमा के रख दिए, उन्हें राहुल जी कर दिए, जब थे था तब फिर SBI क्यों इन लोगों को हैक कर दिया, रुपया को किया ना। अच्छा आप उम्र हो, कितना उम्र हुआ आपका? उम्र हो गया 70। 70, काफ़ी दिनों से बिहार की राजनीति को देखते हैं, कितना बदला है पहले जो भूमिहार थे, भूमिहार ब्राह्मण थे उनका, अब में क्या अंतर है पहले के? यार आज शांति से जीवन काट रहा है। एक समय था कि 90 के दशक में यहाँ से जाना मुश्किल था, आज रात बिरात खूब बढ़िया से लोग जा रहा है, आ रहा है, चल रहा है, फ्री है। यही समय था, यही लालू जी थे जो सारे पटना के जितने थे पकड़ पकड़ के ले आके यही बगल वाले गांव में रखते थे, रखवाते थे और पैसा लेते थे। आज ये सबसे लोग निफिकिर है, निफिकिर है, पैसा लेते थे, पैसा इनके द्वारा ही होता था, कोई जाता था कि ऐसे हो गया दे दे ही पैसवा, क्या कर बे इतना पैसवा, यही भरसन था इनका। ये सबसे शांति है, एकदम शांति है। लेकिन वो कहा जाता है कि वो दौर था जब जंगल राज का सीन याद दिलाता था, 12 का नरसंहार, आज भी वही होने वाला था। वो तो कैसे दो नीतीश बाबू के पलथा हो गया, अन्यथा आज भी वही स्थिति में जा रहा था। हाँ स्टार्ट हो गया था लेकिन नीतीश जी पलटी मार दिए, बस अब इन लोगों का खेल खत्म हो गया। तो ये सिर्फ मोदी जी के फेस को देख के वोट करेंगे क्या आप लोग? हम लोग मोदी जी को देख करके, जदयू के देख करके, रामकृपाल जी को देख करके, ये तीनों को देख करके हम लोग वोट करेंगे। BJP को वोट देंगे, रामकृपाल को देख के देंगे, सबका फैक्टर होगा, क्योंकि रामकृपाल ही आ रहे हैं इसलिए रामकृपाल को देंगे। अगर आज की रामकृपाल चल जाएंगे राजद में, नहीं देंगे। जो BJP से आवेगा उसी को वोट देंगे, जो BJP से आएगा उसी को वोट देंगे। तो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि 400 से पार मोदी सरकार, कारण क्या है? कारण है कि विकसित भारत को किए, और क्या कारण है? क्या किए हैं? कह रहे हैं तेजस्वी जी कुछ काम नहीं किए हैं, विश्व में सबसे बड़ा काम भारत के लिए किए हैं। क्या किए हैं? क्या किए? कुछ नहीं किए, हम इतना नहीं जानते हैं, आप लोग पढ़ लिखल है, ये तो छेड़ पूछते हैं। वो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि ये मोदी जी असरदार नहीं है, कुछ करते नहीं है। तो क्या माने आपको ना क्या है ये
के, अरे विपक्ष के क्या, भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, तेजस्वी क्या करेंगे, ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, वो बनेगा 29 तक ले मोदी रहेगा, उसके बाद योगी को राजगद्दी सौंप करके रिटायर कर जाएगा। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं 17 महीने में के तेजस्वी यादव, ये रोजगार बाद दूसर सरकार रहता तो नहीं देता का, नहीं देता, जिस समय गठबंधन किए थे उसी समय देते, 17 महीने के बाद आप रोजगार दिए, ईएलडी कोची, पीएलडी कोची, ये सब पढ़ लेना है यार। लालू जी कह रहे हैं दवाई करेंगे हम इस बार मोदी जी का, मोदी जी के दवाई का करेंगे, हो सकता है कि लालू इलेक्शन के पहले ही मर न जाए। काहे इतना नाराज है, रुकिए ना, काहे इतना नाराज है, नाराज के चलते देखिए उसको समाज भूरा बाल साफ करो तो कभी कहता है कि परवल के साफ कर दो। तो आप पत्रकार हैं, बताइए कि भूरा बाल परवल में क्या होता है, परवल के मतलब प से पंडित, र से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला, इस सब का साफ करो। हाँ ब्राह्मण, इस सबको साफ करने की बात करते हैं। हाँ तो आप कहें कि नहीं परवल नहीं, कोची एक कोची कहल थे भूरा बाल साफ करो, भू से भूमिहार, बस भू रा, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला। हाँ दोनों दोनों के मतलब एक है, दोनों का मतलब एक है। हाँ तो इतना नाराज हैं आप लोग भूमिहार ब्राह्मण हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं? नाराज नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, हम लोग सुनिए, शुरू से हम लोग कांग्रेस के वोट देते थे, लेकिन जिस समय से मोदी जी आए, अटल जी आए, उसी समय से हम लोग उनको माने पसंद करना, चाहे दो सांसद के सीट ला करके आज 400 से पार करने जा रहे हैं, तो मोदी सरकार जा रहा है ना कि दूसरा जा रहा है। अच्छा ये बार बार कह रहे हैं ना कि 17 महीना में हमने बड़ा अच्छा काम किया है, 17 महीना मेरा बेमिसाल रहा। 17 महीना अगर ये काम करते तो नीतीश कुमार फिर पलटू बाबा क्यों बन जाते, क्यों बन गए, क्यों छोड़ दिए। हाँ ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। रोजगार नीतीश कुमार रोजगार दिया कि न कि तेजस्वी यादव अपन घर से दे दिया, पैसा वो दिया था, देगा कौन जे। सुनिए ना सुनिए ना, बिहार की जनता किसको, किसका फेस देख के वोट करेगी? मोदी जी के, बीजेपी को, बीजेपी को। हाँ हाँ, इधर से चले जाइए आप, यहाँ से कहीं भी पूछ लीजिए, 99.9% आपको माने वही मिलेगा। अच्छा ये 40 लोकसभा सीट जीतने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, 40 तो न जीत पाएगा लेकिन 35-40 के बीच में वो आ जाएगा। हाँ लेकिन उस समय क्यों आया? हाँ मोदी जी हैं, उसके साथ अमित शाह है, हाँ साथे साथे योगी जी हैं। सुनिए ना, सीट शेयरिंग में लालू यादव नजर रखे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट को उतार रहे हैं अलग अलग। अरे आरजेडी में बढ़िया कैंडिडेट नहीं है क्या, या बात कर रहे हैं पत्रकार साहब? हो रहा है उसी को सीट दे रहे हैं, अशोक महतो के पत्नी को, तो हमको दिया देंगे, आप खड़े होंगे तब ना मिलेगा आपको। अब नाराज हो जाए बार बार लालू यादव से, कारण कोई है क्या लालू यादव से नाराज होने का? उनसे नफरत नहीं है, हमको सरकार से नफरत है, हाँ बिहार सरकार से नफरत है, केंद्र सरकार से नफरत है। उनकी नीति भूमिहार ब्राह्मणों के लिए खराब रही है शुरू से, यही कहना चाह रहे हैं? गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं गलत नहीं बोल रहे हैं। तो इस बार 40 लोकसभा सीट जो जीतने की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा, 35-40 के बीच में बीजेपी का सीट आएगा ही, 39-40 करेगा। हम आपको बोल रहे हैं कि आपकी 400 से पार दो जोड़ी है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। राहुल को अस्तित्व खत्म हो गया जी, कांग्रेस के अस्तित्व रह कहाँ गया? जब कांग्रेस के हरिजन के वोट मिलता था, फॉरवर्ड के वोट मिलता था, अब वो सब कहाँ रह गया? अब मोदी छोड़ के किसी को नहीं है। लेकिन बड़ा मजबूती से खड़े हैं, 40-40 लोकसभा सीटों पर बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट उतार रहे हैं, बताइए। बड़े राहुल जी बड़े मजबूती से यात्रा किए हैं इस बार, लोग उनके साथ है, दिखाई दे रहे हैं। 52 बड़ी सिमर हो गई, अभी आए ना हो लेन है यार, पेरिस जा हाथ में वह जैसे हलते ना, राजीव गांधी है से कहाँ से लिए हैं सोनिया के? इटली से, इलिए तन इटाला से, इटाला से। लेकिन वो ना कह रहे हैं कि जो युवा हैं, युवा देश के, वो हमारे साथ हैं किसी भी वर्ग के हों। अरे युवा उनके साथ है क्या है, दक्षिण भारत है कि दो चार गो स्टेट, एक दो गो स्टेटवा है कि उनका है ना, तो बाकी है कहाँ? पूरा भारत तो माने बीजेपी का है जी। मोदी विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं आरोप लगा। अगर आज डूब जाए मोदी, पार्टी खत्म हो जाए, तो कांग्रेस का फिर सरकार आ जाएगा, लेकिन मोदी खत्म होने नहीं ना देगा। 2047 तक ले बोल रहा है कि हम राज करेंगे, बीजेपी का राज रहेगा 2047 तक। हाँ हाँ, बिहार के लोग जो है उनकी किनके साथ है? क्लियर,
बिहार के लोग, हम लोग तो बीजेपी के साथ है न कि पूरे बिहार मोदी के साथ है। हाँ पूरे बिहार उनके साथ है, तो है ना। लेकिन वो कह रहे हैं ना जो विपक्ष वाले हैं कि ये बार बार ना विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, जेल में बंद कर दे रहे हैं। अरे ये तो आप चोरी कर, पशुपालन घोटाले में कौन जेल गया? कौन गया, कौन गया? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, लालू जी का है? तो जो चोरी किया वो तो जेल में करेगा, आज जाए या कल जाए। आप चोरी कीजिएगा तो आज नहीं फंसेगा तो कल तो आपको फंसना है ना। आज हम चोरी कर रहे हैं तो आज नहीं फंसेंगे तो कल तो फंसेंगे ना, यही बात है। स्कूटर पर पहुंचन पौरा ढोवाता है जी, स्कूटर पर नटिया ढोवाता है, स्कूटर पर भूसा ढोवाता है, अब पहुंचो ट्रक के नंबर लिखा जाता है, भैंसा सार सौंप जाता है। देश देश को कमजोर कर रहे हैं ये बोल रहे हैं विपक्ष वाले कि ये देश को कमजोर कर रहे हैं। देश को तो इतना अग्रणी बना दिया है कि माने मोदी छोड़ के कोई बनाबे नहीं किया। हाँ जी, क्या आपके लिए क्या हुआ है बताइए? हमारे लिए क्या होगा, हम नौकरी करते थे, हमारे लिए होगा क्या? आपके लिए कुछ नहीं हुआ है, सरकार की योजना है? सरकार की योजना का क्या मतलब है हमको? आप नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते थे ना? प्राइवेट में एथी में हले गेल इंडिया में। हाँ गेल इंडिया, तो आपके लिए ना अच्छी है। लेकिन लेकिन ये बताइए कि और लोग जो आम बिहार के लोग हैं वो तो थोड़े नाखुश है ना सरकार से? जो ना खुश है सो ना खुश है, जो खुश है सो खुश है, जो खुश है हम खुश हैं तो आपको कह रहे हैं। अगर वो ना खुश होंगे तो कहें कि हाँ हम ना खुश हैं, बात तो खत्म हो गया। हाँ तो वो एक जगह गए थे रैली में, तेजस्वी यादव मुरेठा बांध के बोले थे यादव समुदाय हमारे साथ है तो जीतेंगे हम ही। महतो समुदाय तो सम्राट चौधरी के साथ है, वो भी मुरेठे बांधते हैं, वैसा मुरेठा तेजस्वी नहीं बांधते हैं। हाँ मुरेठा बांध के बोले थे कि हम इस बार सुफड़ा साफ करेंगे, मोदी जी का सपना साकार नहीं होगा 40 का। अरे हम कह रहे हैं कि तेजस्वी के सपना साकार सम्राट चौधरी नहीं होने देगा, सम्राट चौधरी नहीं होने देंगे, नहीं होने देगा। हाँ तो गाय नहीं पगड़ी खोल ले रहे हैं अपना, नीतीश जी तो आ गए हैं। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पगड़ी बांध के चलते हैं? तो क्या वो पगड़ी बांध लिया तो खराब हो गया? देखिए वो सम्राट चौधरी का चेला है। लेकिन आपको लगता है क्या कि ये असरदार हैं? लगता है कि मोदी जी असरदार हैं, बिहार को विकसित करेंगे ये लग रहा है? नहीं कर रहे हैं ना, बीच में सरकार गड़बड़ा जाती है, नीतीश जी इधर उधर चले जाते हैं ना। तो नीतीश जी की मजबूरी था बीजेपी के साथ आना, अगर बीजेपी के साथ नहीं आते तो 16 को सीट पर उनको माने जो मिला है ना तो 14 सीट जरूर जीतेंगे, और 14 नहीं जी आरजेडी के साथ रहते ना तो वो 14 सीट नहीं दे पाते। बड़ा भाई का भूमिका निभा रहा है इस समय बीजेपी यहाँ पे सीट शेयरिंग में 17-16। हाँ 17-16। हाँ माने लग रहा है बिहार में परचम लहराएगा इस बार, बिहार में भारत में भी लहराएगा कि बिहार में तो 25 में लहराएगा महाराज? अभी तो भारत में ना 40 लोकसभा सीट की दावा है ना, उस बात पे हम बोल रहे हैं। 40 में 35 से 40 के बीच में बीजेपी के बिहार में सीट आना है। हाँ अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं कि पहले जंगल राज था, जनता क्या सोचती है? वाकई में जंगल राज था, खासकर भूमिहारों की बात होती है कि बड़ा वो नाखुश थे। नहीं सुनिए, अगर जंगल राज से पहले जंगल राज अब आ गया है, लेकिन अगर 2 लाख रुपया लेकर के रोड पर चलते हैं तो यही महेंद्र रोड में आपको छीना जाता, लेकिन आज 10 लाख रुपया लेके जाइएगा आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हाई हो मनीष, कोई नहीं पूछने वाला। मैंने वो उस दौर की बात आप कर रहे हैं जिस दौर में छीन लेते थे लोग पकड़ पकड़। हाँ हाँ यही जब सीधे सीधे मतलब प्रताड़ित किया जाता था, यही ना प्रताड़ित क्या करा जाता था, राज था कि हाँ हमारे जात के राज हो गए, हम फलना के हो गए, चिलना के हो गए। जातिवाद का राजनीति रहा है क्या बिहार? बिहार में जातिवाद का राजनीति है महाराज, तो पत्रकार साहब बिहार में तो जातिवाद का है ही है, तो बिहार में जातिवाद की राजनीति रही है, अभी भी चल रही है, क्योंकि अब शिक्षा के क्षेत्र में जब लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या लग रहा है कि फिर भी जातिवाद चलेगी? शिक्षा जब शिक्षित हो जाएगा तो जाति शिक्षित जब हो जाएगा ना तो शिक्षित जब हो जाएगा तो शिक्षा उसको ग्रहण होगा तो वो समझेगा कि हमको कौन पार्टी को वोट देना है, क्या करना है, कैसे करना है, ना करना है, वो अपना समझेगा ना शिक्षित लोग। अब तो हम उतना शिक्षित नहीं है, बाबू हमारे 10 महीने पढ़ेबे किए। हाँ क्या नाम है? सर रघुवंश शर्मा नाम है। रघुवंश शर्मा जी, क्या क्या सोचते हैं 24 को इलेक्शन को लेकर? हम लोग तो देख रहे हैं कि देश में हिंदू धर्म और राष्ट्रीयता की तरफ जो सरकार जा रही है उस सरकार के पीछे हम लोग खड़े हैं। आप लोग खड़े हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का नाम तो सुने ही होंगे, भली बात ही जानते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो हिंदू नहीं है, नकली हिंदू हैं।
वो विरोधी लोगों को और काम का है, विरोध करना है कुछ क्या बोल रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है। हमको उस पर ध्यान, विरोधी पर नहीं ध्यान, हमको अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है। विरोधी क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे सोचते हैं उस हिसाब से। अच्छा, मतलब आपका सोच यही है कि राष्ट्रीयता और हिंदुत्व को लेकर जो सरकार चल रही है, हिंदू एकता जो बढ़ना है, हिंदू एकता जब तक नहीं बढ़ेगा तब ले समरस समाज नहीं हो सकता है देश में, मैंने समरसता नहीं आ सकती है, ये मान कर चल रहे हैं।